प्रभात एग्जाम टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा REET की तैयारी के लिए रिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रिट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रिट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिट एग्जाम क्वेश्चन पेपर एपिसोड 5, ये सॉल्व पेपर्स हैं 2015 के। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं ऑप्शन ए विचलनशीलता, बी प्रतिमानता, ऑप्शन सी में दोनों ए और बी, और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा दी है ऑप्शन ए मुर्रे, बी एडलर, सी क्रो व क्रो, डी जे बी वॉटसन, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, अनुसंधान को जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, कहलाता है ऑप्शन ए मौलिक अनुसंधान, बी क्रियात्मक अनुसंधान, सी सामाजिक अनुसंधान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है ऑप्शन ए सक्रियात्मक अधिगम, बी सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, डी अनुबंधन, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वो कहलाएगा ऑप्शन ए वैद्य परीक्षण, बी विश्वसनीयता परीक्षण, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, डी विषय परक परीक्षण, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में सामंकन योजना बनाने का उद्देश्य है ऑप्शन ए निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, ऑप्शन सी छात्रों की कठिनाइयों का निर्माण करना, ऑप्शन डी उक्त सभी, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है ऑप्शन ए छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, बी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सी छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, डी छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, बी इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने, सी उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है, डी वो अत्यंत विनित थे, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी फ्रिकेटिव साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन? ऑप्शन ए इट इज यूनिवर्सल, बी इट इज नेचुरल, सी इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन डी इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएशन डज नॉट असर्टेन। ऑप्शन ए द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बी द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सी द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी द इफिशियंसी ऑफ द टीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम? ऑप्शन ए टेक्स्ट बुक, बी चॉक, सी कंप्यूटर नेटवर्क, डी ब्लैक बोर्ड। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 साल, बी 35 साल, ऑप्शन सी 30 साल और ऑप्शन डी है 21 साल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के समय में किया गया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी चंद्रशेखर, सी चौधरी चरण सिंह, डी मोरारजी देसाई। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी ओजोन मंडल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहास में शैन्य युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी मुगल काल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है, इंडिका का लेखक है? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी मेगस्थनीज, सी प्लीमी, डी विष्णुगुप्त। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, काम्बुज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए सूर्यवर्मन प्रथम, बी जयवर्मन चतुर्थ, सी सूर्यवर्मन द्वितीय, डी यशोवर्मन तृतीय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, अभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, बी चौहान, सी गोहिल सिसोदिया, डी राठौर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए मृदा, बी चट्टान, सी पौध, डी खनिज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।